सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी में घुसे आतंकी। आतंकियों ने सीमा हैदर को लेकर क्या धमकी दी? पाकिस्तान की सीमा हैदर अपनी मोहब्बत की खातिर सरहद पार करते हुए किसी तरह भारत पहुंची, तो भारत में उनके प्रेमी सचिन और उनके परिवार ने सीमा हैदर और उनके चार बच्चों को खुली बाहों से स्वीकार कर लिया। अब सचिन का परिवार ग्रेटर नोएडा में अपने गांव में सीमा और सचिन की शादी की तैयारियां कर रहा है। इन दोनों का अनूठा प्यार अब जल्दी ही शादी के बंधन में बंधने वाला है, लेकिन लगता है कि इनके अटूट प्यार को किसी की नजर लग गई है, क्योंकि सरहद पार पाकिस्तान में बैठे आतंकी सपोलों ने सीमा हैदर को लेकर फन फैला लिए हैं। पाकिस्तानी आतंकियों ने सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान लौट आने की धमकी दी है। इसे लेकर सोशल मीडिया में दो वीडियोस तेजी से वायरल हो रही हैं। कथित तौर से ये दोनों वीडियोस पाकिस्तान में ही शूट किए गए हैं। कहा जा रहा है कि इसमें से एक वीडियो पाकिस्तान के कच्छ इलाके में शूट किया गया है, जिसमें कच्छ का चर्चित डाकू रानो शार धमकी देता दिख रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि सीमा हैदर को अगर वापस पाकिस्तान नहीं भेजा गया तो वो सिंध में हिंदू मंदिरों पर हमला करेंगे। वहीं दूसरी वीडियो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जखरानी कबीले से संबंधित बताई जा रही है, जिसमें वे धमकी देते दिख रहे हैं कि अगर सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान नहीं भेजा गया तो इसका खामियाजा सिंध में रहने वाली हिंदू महिलाओं को भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि सीमा हैदर के पहले पति का पूरा नाम गुलाम हैदर जखरानी है और वो इसी जनजाति से ताल्लुक रखता है। पिछले दिनों गुलाम हैदर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार से अपनी पत्नी और बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजने की अपील की थी, जबकि सीमा हैदर जो भारत में सचिन को अपना चुकी हैं, उनका कहना है कि अगर उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा जाता है तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। जो धमकी भरे वीडियोस सोशल मीडिया में शेयर किए जा रहे हैं, उनमें धमकी देने वाले आतंकियों के हाथों में ऑटोमेटेड एडवांस राइफल दिखाई दे रहा है। लेकिन इस तरह की गीदड़ भभकियों से बेपरवाह सीमा हैदर भारत में अपने नए परिवार के साथ बेहद खुश हैं। वो यहाँ के रीति रिवाज, संस्कार, रहन सहन और पहनावे को पूरी तरह से अपना चुकी हैं। सीमा हैदर पारंपरिक हिंदू परिवार में पूरी तरह से रम गई हैं। घर की संस्कारी बहू की तरह वो सुबह सवेरे उठ जाती हैं, धार्मिक रीति रिवाजों से घर के छोटे से मंदिर में पूजा पाठ करती हैं, फिर तुलसी को जल अर्पित करती हैं। भारत में उन्हें आए बेशक कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो हिंदू परंपराओं को बहुत अच्छे से निभाना जानती हैं। सुना है सीमा हैदर घर के दस्तरखान को भी बहुत अच्छे से संभालती हैं और बहुत लजीज जायकेदार खाना भी पकाती हैं। इनके सास ससुर ऐसी बहू पाकर बेहद खुश हैं। अब भारत में इस खूबसूरत जोड़ी की शादी की तैयारियां चल रही हैं। ये दोनों बहुत जल्द हिंदू रीति रिवाजों से एक दूसरे के बंधन में बंधने वाले हैं। उनका कहना है कि सीमा अब उनके परिवार का हिस्सा है और दोनों को जुदा नहीं होने दिया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।